नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले खबर है उत्तर प्रदेश की गर्माती चुनावी सियासत से जुड़ी हुई। बहुजन समाज पार्टी के दो कद्दावर नेता रामाचल राजभर और लालजी वर्मा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोनों पांच पांच बार के विधायक हैं। रामाचल 37 साल से और लालजी 25 साल से बसपा में थे। लालजी वर्मा हाल तक बसपा के विधायक दल के नेता और रामाचल राजभर प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता हैं। कुछ वक्त पहले इन्हें मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था। बसपा के 18 विधायकों में से 11 पार्टी से निकाले जा चुके हैं। मायावती के सिपह सालार जो दशकों से उनकी सियासी जंग के सूरमा थे, आज मुखालिफ फौज से मिल गए। बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष रामाचल राजभर और विधायक दल के पूर्व नेता लालजी वर्मा का अखिलेश यादव ने खुद समाजवादी पार्टी में आज स्वागत किया। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आजादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और रामाचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अम्बेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेता अंबेडकर नगर से ताल्लुक रखते हैं, जहां से कभी मायावती खुद चुनाव लड़ती थी। अंबेडकर नगर, उसके आसपास के इलाकों में उनका बड़ा असर है। लालजी वर्मा 25 साल से बीएसपी में थे, हाल के वक्त तक बीएसपी के विधायक दल के नेता थे। मायावती की सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री थे। रामाचल राजभर 37 साल से बीएसपी में थे। रामाचल राजभर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मायावती की चारों सरकारों में मंत्री थे। मैं ये महसूस किया, हम लोगों ने, मैंने और श्री रामाचल राजभर जी ने, कि आज भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन का विकल्प और समतामूलक समाज की स्थापना का कोई केंद्र बन सकता है तो समाजवादी पार्टी बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी यूपी की अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने 50% से ज्यादा विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में निकाल चुकी है। वैसे ये संख्या 61% होती है। 2017 में बीएसपी विधानसभा की 19 सीट जीती थी। अंबेडकर नगर सीट उपचुनाव में हार गई। फिर 2 MLA रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह निकाले गए। फिर राज्यसभा चुनाव के वक्त अखिलेश से मिले 7 MLA निकाले गए। बाद में MLA रामाचल राजभर और लालजी वर्मा निकाले गए। इस तरह कुल 18 विधायकों में से 11 पार्टी से निकाल दिए गए हैं। लेकिन रामाचल राजभर और लालजी वर्मा का समाजवादी पार्टी में जाना पार्टी की बड़ी जीत है, क्योंकि दोनों अपनी जातियों के बहुत बड़े नेता हैं। इस क्षेत्र में जो पटेल मतदाता बड़ी संख्या में है, कुर्मी मतदाता बड़ी संख्या में है, उन पर लालजी वर्मा का बड़ा प्रभाव है और लंबे समय से वो चुनाव जीतते रहे उस क्षेत्र में। जहाँ तक रामाचल राजभर का सवाल है, उनका कई जिलों में प्रभाव है। और मुझे जो लगता है, जो जमीनी हकीकत यह है कि ओम प्रकाश राजभर से कहीं ज़्यादा मजबूत राजभरों के नेता हैं। इस चुनाव में एक एक वोट की लड़ाई है और गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट के लिए जबरदस्त लड़ाई है। इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के हाथ आज एक बड़ा दांव लगा है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और आइए अब सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। ये सरयू तट के करीब से तस्वीरें आ रही हैं। कल सुबह पहले हनुमानगढ़ भी जाएंगे, लेकिन इस समय सरयू तट पर जो आरती होती है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। और कल का भी वो यहीं पर रहेंगे और हनुमानगढ़ी जाने का कार्यक्रम है और रामलला के दर्शन भी करेंगे, लेकिन इस समय ये फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी एक अच्छी कोशिश बैठ करने की पूरी कोशिश में है। और हम देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी पेशी थी, उस लिहाज से गए थे और अब अयोध्या वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति ऋषि देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वकुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिति जदो जदः सनीहते। और अब सीधे हम रुक करते हैं आम आदमी पार्टी की खबर से। अब सीधे रुक करते हैं कांग्रेस
से जुड़ी हुई एक खबर का, वो भी बिहार से जो आ रही है। और यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहां होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ रहा है। ताजा बयान लालू प्रसाद यादव का आया, जिससे अटकलें लग रही हैं कि बिहार में इन दो सहयोगी दलों की दूरियां बढ़ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता कांग्रेस का, क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के इस बयान से महागठबंधन का टकराव और तीखा हो गया है। कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि अगर बिहार उपचुनाव में एनडीए जीतता है तो जिम्मेदारी आरजेडी की होगी। आरजेडी ये मानकर चलती है कि वो अकेले सक्षम है बीजेपी से लड़ने के लिए और सांप्रदायिक शक्तियों से, तो शायद ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस इस बात से ज्यादा नाराज है कि आरजेडी ने उपचुनाव में एक तरफा कुशेश्वर नाथ और तारापुर से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तब से दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है ये? भक्चरण दास भक्त को न रही है, उसको कुछ पता है? ये हास्यास्पद बयान, मजाक उड़ाने वाला बयान कांग्रेस के खिलाफ ना दें। अपना अपना चुनाव लड़ना है, लड़े कायदे से लड़े। हालांकि कांग्रेस दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक को चुनाव प्रचार में उतार चुकी है। ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त सियासी दंगल जारी है। ऐसा ना हो ये दोनों दल देखते रह जाएं और बाजी एनडीए के हाथ लग जाए। दरअसल इस विवाद में महागठबंधन संकट में दिखाई पड़ता है। कांग्रेस निर्णायक भूमिका में आना चाहती है तो उसे जमीनी तैयारी करनी होगी। इस तैयारी में टकराव भी होंगे जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब एक कांग्रेस और आरजेडी को तय करना है कि वो एक दूसरे के लिए कितनी जगह निकालें और कैसे एनडीए को रोकें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको एक बार फिर से अयोध्या लिए चल रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल जलाभिषेक कर रहे हैं, आरती सरयू नदी के तट पर हैं। आइए सुनते हैं क्या हो रहा है। सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातिवीरो मावा ताम मावा जातिवीरो लक्ष्मीम मनपरामनि यस्याम हिरण्यम प्रभूतिम गाहुदाशिष्यानिविन्दीयम पुरुषाणाम यः शुचिः परेतो भूत्वा दुह्याधाद्युमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्चन च श्रीकामः शततम् जपि। ॐ बलसरयू मैया की। देश की बात में अब खबर मध्य प्रदेश से। यहां की राजधानी भोपाल में कल शाम वेब सीरीज आश्रम के अगले सीजन की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, मारपीट भी हुई है। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा पर भी कथित तौर पर स्याही फेंकी गई। अब पुलिस ने देर रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब बजरंग दल की मांग का समर्थन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र सहित बीजेपी के कई आला नेता करते दिख रहे हैं। प्रकाश झा मुर्दाबाद 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 बाबी देव
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो बंद करो बंद करो। भोपाल में पुरानी जेल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। प्रकाश झा के साथ झूमा झटकी हुई। वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बाद में पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा। हंगामा करने वालों की मांग थी वेब सीरीज का नाम बदला जाए। भोपाल की धरती पर आकर के वो अपनी फिल्म बना लेगा। बजरंग दल चैलेंज करता है, इस फिल्म को बनने नहीं देंगे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह काला खड़ा है। जाओ ना उधर, बाबी देवल को ढूंढ रहे, अपने भाई से सीखे कुछ। सोमवार सुबह शूटिंग जारी रही। पुलिस कर्मी पूरे रास्ते भर तैनात थे। हालांकि गृह मंत्री भी हुड़दंगियों के सुर में सुर मिलाते नजर आए। कहा राज्य में शूटिंग की अनुमति को लेकर नई गाइडलाइन बनेगी। दो समुदायों को लेकर मंत्री जी हम तुम की भाषा बोलते भी नजर आए। परोक्ष तौर पर फिल्म निर्माता पर भी हमला बोला। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। क्यों आश्रम नाम क्यों, और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। जो किया हम उसको गलत मानते हैं, 4 गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो झा साहब। कांग्रेस का आरोप है ऐसी घटनाएं सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। सरकार के संरक्षण में तो हो रहा है, तो किसकी हिम्मत है कि क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ कर पीटे, निर्देशक पर शाही फेंक दे और पुलिस की मौजूदगी में करे, वाहनों में तोड़फोड़ कर दे। सरकार का ही संरक्षण है। सरकार दो मुही नीति पर चलती, एक तरफ अनुमति भी सरकार देती है और गाइडलाइन और कंटेंट की बात करती है, और सरकार की अनुमति देने के बाद उन्हीं से जुड़े संगठन तोड़फोड़ करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सरकारी संरक्षण के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है और मध्य प्रदेश की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले में फिलहाल प्रकाश झा ने ना तो पुलिस में शिकायत की है न ही मीडिया में अपना पक्ष रखा है। आश्रम के अभिनेता बॉबी देवल के पिता भाई सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। खैर, सुटेबल बॉय को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश बनाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ ये तो नहीं पता। लेकिन अब आश्रम के बाद वापस से ऐसी ही बात चल रही है, यानी सेंसर बोर्ड से पहले जिले के बाबू कहानी पर कैंची चलाएंगे। दुखद उन मंत्रियों का रवैया भी है जो अपने बयानों से किसी खास धर्म या संप्रदाय के नुमाइंदे नजर आते हैं, पूरे राज्य के नहीं। दुखद उन फिल्मकारों का रवैया भी है जो अपने फिल्मों के जरिए तो क्रांति की बात करते हैं लेकिन अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत तक दर्ज कराने नहीं आते। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में चर्चों को लेकर शुरू हुए सरकारी सर्वे पर विवाद खड़ा हो गया है। इस सर्वे को अदालत में चुनौती भी दी गई है। चर्च राज्य सरकार के एंटी कन्वर्जन बिल पर भी सवाल उठा रहे हैं। नाराजगी जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मार्गरेट एल्वा भी पहुंची थी। और इन सबके बीच हुबली में एक पादरी पर हुए हमले के विरोध में चर्च की तरफ से एक रैली भी निकाली गई। और आगे देश की बात में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के एक नए वेरिएंट ने बढ़ाई है किस तरह से चिंता है।
विदेशों में तबाही मचा चुके कोरोना वेरिएंट की मौजूदगी भारत के दो राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिली है। AY42 डेल्टा का म्यूटेशन है, ज्यादा संक्रामक है। फिलहाल वेरिएंट की जांच हो रही है। पिछले 4 महीनों से इसकी सघन निगरानी चल रही है। दूसरी लहर जैसा मंजर न हो इसको लेकर नए वेरिएंट AY.4.2 पर इंसाकॉक की पैनी नजर है। ये फैलता तेजी से है पर इससे गंभीर होने के प्रमाण अब तक नहीं, लिहाजा फिलहाल इस वेरिएंट को जांच में रखा गया है। ये डेल्टा प्लस से 10% ज्यादा संक्रामक है, हालांकि इसके वर्गीकरण को लेकर स्पष्टता नहीं है। डेल्टा प्लस में 25 से 30 म्यूटेशन हुए हैं और AY.4.2 उनमें से ही एक है। हमारे पास में दो वायरस की म्यूटेशन हुई है करके, जैसे कि बेसिकली AY.4.2 एक सब लीनेज है बेसिकली ओरिजिनल डेल्टा स्ट्रेन की और AY.4, तो इस तरह के दो वेरिएंट्स हैं। और अगर हम बात करें AY.4 की, वो तो सर्कुलेशन में लगभग अप्रैल से है, और अगर हम AY.4.2 की करें तो जुलाई से सर्कुलेशन में है। और अगर हम केसेस देखें तो हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, पर्टिकुलरली अगर हम AY.4.2 की बात करें तो हमारे केसेस हमारे अभी आजकल में ही रिपोर्ट हुए हैं, तो इसको हमारे NCD सेंटर ने भी रिपोर्ट किया है। तो जो कि ये सब लीनेज जो है बेसिकली ये काफ़ी ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है। सीरियसनेस की जहाँ तक बात है, ये इतना बहुत ज़्यादा मोर्टैलिटी की तरफ नहीं दर्शाता करके। पहले से ही त्योहारों को लेकर चिंतित स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता दुर्गा पूजा ने बढ़ाई है। वैसे अभी दिवाली छठ बाकी हैं। त्योहार अभी बीता है दुर्गा पूजा, कहीं से कोई रिपोर्ट आई है कि इस फेस्टिवल को मनाने के दौरान केसेस कहीं राइज हो गए? वेस्ट बंगाल से आया था केसेस का राइज होना। सो बेसिकली हमें यही ध्यान में रखना है कि, और कई डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जिनमें से केसेस राइज हुए, क्योंकि अल्टीमेटली त्योहारों में कहीं ना कहीं हम लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना के मामले गिरे जरूर हैं, मगर सतर्कता अब भी जरूरी है, ये तमाम विशेषज्ञों की राय है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।